दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है वन प्लस 9R स्मार्टफोन जिसके हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो इसके बाद हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों वन प्लस 9R का बॉक्स, तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों अभी प्लास्टिक रैप है, तो इसके प्लास्टिक को हटा लेते हैं। तो हमारे पास है दोस्तों ये लेक ब्लू कलर का स्मार्टफोन। इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल पॉइंट मिलता है और स्पीकर मिलते हैं। इसके अलावा राइट हैंड साइड में पावर बटन और दोस्तों वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो इसको भी साइड में हम रख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम अपने नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक कागज का बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों हमको काफी सारे स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वन प्लस के स्टिकर्स मिले, तो इनको साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक टीपीयू केस देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी मजबूत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर्स वगैरह हैं, तो इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन आप चाहे तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं, वैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन्हें पढ़ते भी नहीं होंगे। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें एक रेड केबल क्लब नाम का एक बेनिफिट कार्ड मिलता है, जिसको दोस्तों आप स्कैन करके इसके जितने भी बेनिफिट्स आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हर वन प्लस के फोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सेसरी देखने को मिलती है वो हमारा 65W का अडैप्टर, जो कि दोस्तों देख सकते हैं व्हाइट कलर का है। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3.5mm की जैक नहीं मिलती है। तो चलिए इसको सभी एक्सेसरीज को हम साइड में रख लेते हैं। अब चलिए हम अपने फोन को बूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही बूट करते हैं यहाँ पे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है। तो जब तक ये स्मार्टफोन बूट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन बूट हो चुका है। अब आपको बता दूं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 रिफ्रेश रेट आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर दिया है। अब वीडियो में आप देख सकते हैं इसके कलर टोन वगैरह काफी अच्छे से नजर आते हैं। अब मैं आपको ऑडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको फ्रंट है वो ग्लास का देखने को मिलता है, बैक भी आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, फ्रेम दोस्तों आपको एल्युमिनियम का मिलता है। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन में इसकी हाइट की बात करें तो इसके अंदर आपको 161mm हाइट मिलती है, विड्थ आपको 74.1mm मिलता है, थिकनेस आपको 8.4mm मिलता है, वेट इसका 189g है और इसमें आपको दो कलर वेरियंट मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में दोस्तों आपको जो इसका डिस्प्ले टाइप मिलता है फ्लूड एमोलेड मिलता है। इसका साइज है दोस्तों 6.55 इंचेस। रिजोल्यूशन आपको 1080x2400 पिक्सल मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो आपको 20:9 मिलता है। पिक्सल डेंसिटी आपको 402 PPI मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको 6.82 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। इसके अंदर फीचर आप पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर दोस्तों जो आपको चिपसेट मिलता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। सीपीयू आपको ऑक्टाकोर मिलता है। आर्किटेक्चर आपको 64-bit मिलती है। इसके अलावा फैब्रिकेशन 7mm की ग्राफिक्स एंड रेनो 650। रैम आपको 8GB मिलती है। रैम टाइप आपको LPDDR5 मिलती है। OS UI की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड V11 मिलता है और UI आपको ऑक्सीजन OS मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इसके अंदर आपको दोस्तों 3 वेरिएंट मिलते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज इसमें आपको नहीं देखने को मिलता। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो बैक साइड में आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके फीचर्स को दोस्तों आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको फ्रंट में 16MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों मैंने इसके 48MP के कैमरे से कुछ फोटोज क्लिक किए, आप इन्हें देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये फोटोज कैसी हैं। वैसे चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं इसके बैटरी के बारे में। इसके अंदर आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 65W का आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है इसके अंदर। कनेक्टिविटी पे आते हैं दोस्तों तो इसके अंदर आपको 2G 3G 4G 5G देखने को मिल जाता है। इसके अलावा NFC भी मिल जाती है। मल्टीमीडिया पे आए दोस्तों तो इसके अंदर आपको FM रेडियो नहीं मिलता, लाउड स्पीकर मिल जाता है, ऑडियो जैक USB टाइप सी मिलता है और ऑडियो फीचर में आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। जो इसका पहला वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस लगभग 40,000 रुपए है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट आता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस 44,000 है। वैसे अगर आप फोन को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.